गुड मॉर्निंग, इट्स यर शेयर अगेन। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे जंक्शन में जा रही होगी। सो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। और मुझे पता है कि वीडियोस जो मैंने लास्ट बनाई थी उससे काफ़ी ज़्यादा आपकी टेंशन ख़त्म हो गई है, बट अभी भी बहुत सी कन्फ्यूज़न है जो मेरे सामने आ रही हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं अपना टाइम निकाल रहा हूँ क्योंकि मेरे भी पेपर लगे हुए हैं। ठीक है गाइस, UPSC है, स्टेट PCS है, हर पेपर लगे हुए हैं, बट इसके बाद भी मैं टाइम निकाल के वीडियो बनाता हूँ। सो बहुत से कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिनको मैं पिक करता हूँ। ठीक है, बहुत से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन जो मेरे ग्रुप्स में आ रही है, डिस्कशन में कन्फ्यूज़न आ रहा है, या बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं, सो गाइज़ मैं उन्हीं पॉइंट्स को निकाल के वीडियो बनाता हूँ। तो गाइज़ आप लोग प्लीज़ यहाँ पर एक कन्फर्म करिएगा, आप सब देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, सो गाइज़ सबसे पहले लोग पूछ रहे हैं सिलेबस के बारे में, अभी भी बहुत ज़्यादा एरर्स एंड कन्फ्यूजन्स हैं लोगों के दिमाग में। लोगों के दिमाग में कन्फ्यूज़न है, बिल्कुल सही है, बिकॉज बहुत सा एरर है। जब हम लोग कंपरमेटिव स्टडीज़ करते हैं, एक तरफ GNU प्रॉस्पेक्टस रख के देखें या एक तरफ हम लोग NTA का सिलेबस रख के देखें या हम लोग CUET का पूरा एसोसिएशन करके देखें, बहुत ही ज़्यादा एरर्स हैं उनके हर एक नोटिफिकेशंस में। मैं आज समझाता हूँ कि इसकी रिकवरी कैसे होगी और इनको कैसे करना होगा। ठीक है, सेकंड है कि पेपर कोड और कंबाइंड रेलाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। लोग कह रहे हैं कि पेपर कोड अगर PG क्वेश्चन पेपर 42 या PG क्वेश्चन पेपर 43 में ऐसा ऐसा हो रहा है तो ये लोग एक ही एग्ज़ाम लेंगे, और जैसा कि अभी तक NTA फॉर्म फिलअप भी करवा रहा है उसके हिसाब से भी वही लग रहा है। तो मैं आज उसका भी आपका कन्फ्यूज़न दूर करूँगा। और तीसरा है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, JNU प्रॉस्पेक्टस में जियोपार्डी हो रही है, बिकॉज अब देखिए इनको कंबाइंड रेलाम में करवाना है, पेपर कोड सेम रखना है, पेपर कोड से मतलब नहीं लेकिन इनको कंबाइन करना है, फॉर्म में भी ये कंबाइन करवा रहे हैं। तो जो JNU का प्रॉस्पेक्टस है उसमें पॉलिटिकल साइंस का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें 10+2+3 जो ग्रेजुएशन से हैं, मतलब जो आर्ट्स से हैं, उनको 50% बोला है, और जो साइंस एंड टेक वाले स्टूडेंट हैं उनको 55% बोला है। तो ग्रेजुएशन में पॉलेम में जो मतलब कि जो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, BTech भी हो गया, वो 10+2+4 में भी तो आया है। तो 10+2+4 में आप पॉलिकल साइंस में पॉल एम में बोल रहे हो कि हाँ 55 होना चाहिए, वो पेपर दे सकते हैं, बट PISM और IRM में आप बोल रहे हो कि इसकी एलिजिबिलिटी ही नहीं है, केवल 10+2+3 वाला बोल रहे हो, वो आप कन्फ्यूज़न दूर नहीं कर पा रहे हो अभी। तो वो भी एक ग्लिच है, वो भी एक एरर है, और उसको बिल्कुल चेंज करना होगा NTA को, CUET को, JNU को भी। ठीक है, क्योंकि JNU में आजकल तो यही बातें चल रही कि जो NTA ने बोला हमने कर दिया लेकिन हम अपने हिसाब से करेंगे, JNU खुद का राजा है, मैं बताऊँगा कैसे क्या करना है। अब गाइस क्या हो रहा है, PISM और IRM में बहुत प्रॉब्लम हो रही, मैं उसकी कन्फ्यूज़न आपको दूर कर चुका हूँ, और ये सबसे बड़ा एरर है। ठीक है, क्योंकि जो SIS है, जो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ है, वो एक अलग का इन्वायरमेंट है वहाँ पे, तो उसमें थोड़ी ना पब्लिक पॉलिसी और इंडियन पॉलिटी थोड़ा थोड़ा पल पा के वो PISM और IRM कराएंगे, उसमें कोरियन पेनसुलर पूछते हैं, चाइनीज़ रिजर्वेशन पूछते थे, और जो वो लोग वहाँ पे पढ़ते हैं SIS में, वो अगर ये सब पढ़ के जाएंगे इंट्रेंस में, पॉलिटिकल इकॉनमी पॉलिटिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे तो उनके सिलेबस में पॉलिटिकल इकॉनमी और पॉलिटिकल ज्योग्राफी आ जाएगा। वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कैसे उसको एरर को सही करेंगे मैं बताता हूँ। ठीक है, सो गाइस सबसे पहले एग्ज़ाम डेट, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है क्योंकि एग्ज़ाम डेट ऐसे होती है कि ये आपकी जर्नी को बहुत ईजी बनाती है। अगर एग्ज़ाम डेट अगर आप एक्सपेक्टेड लेके चलोगे तो आप उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करोगे, टाइम टेबल बना लोगे, स्केड्यूल बना लोगे। सो गाइज इसके हिसाब से 18 जुलाई से 26 जुलाई पहला एक प्रोनाउंसिएशन है कि इनके बीच में एग्ज़ाम हो सकता है, और सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मुझे लग रहा है इसी में होगा, 1 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक, क्योंकि जुलाई पूरा CUET UG में चला जाएगा, NEET में चला जाएगा, IIT में चला जाएगा, जून जुलाई पूरा पूरा इनका जा रहा है, तो इससे आपको प्रॉब्लम लेने की जरूरत ही नहीं है। अगस्त से 8 अगस्त तक या 18 जुलाई से 26 जुलाई तक बीच में पेपर हो सकता है, उसकी कोई प्रॉब्लम लेनी ही नहीं है। सो गाइस आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला जियोपकेशंस क्या आ रहा है कि सिलेबस का, सिलेबस जो है वो पार एरर्स है, बहुत ज़्यादा एरर्स है लेकिन रिलेबल है, बिकॉज क्यों है, जो उन्होंने लिखा है कि जो PG का क्वेश्चन पेपर 42 रहेगा वो MA इन पॉलिटिकल साइंस रहेगा, एरिया स्टडीज़ रहेगा, PISM रहेगा, पब्लिक एड रहेगा, पब्लिक पॉलिसी रहेगा। ठीक है, अब क्या है, जो NTA है उसने ये सिलेबस बता दिया है, तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में NTA ने ये कहा है कि प्लेटो पढ़ना है, एरिस्टोटल पढ़ना है, मैशियावेली पढ़ना है, हॉब्स पढ़ना है, लॉक पढ़ना है, बेंथम पढ़ना है, रोशो पढ़ना है, मिल पढ़ना है, मार्क्स पढ़ना है। ठीक है, लेनिन को भूल गए वो, इसके बाद वो सबको भूल गए। ठीक है, JS मिल, बेंथम,
वो सब बता दिया, लेकिन क्या पढ़ना उन्होंने ये नहीं बताया। सो गाइस, जेएनयू भी कभी कभी सिचुएशन को अल्टरिज्म में ला देता है, वो अल्टुकलाइजेशन करता है, बिकॉज उसको भी पता है कि लड़के बहुत ज़्यादा आएंगे, तो ये दो मंथ्स में जो आएंगे तो उनको उनसे मतलब नहीं है कि जो दो मंथ में प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, उनको ये मंथ है कि जो पूरा एक साल से पढ़ रहे, जिनको कुछ भी नहीं पता था कि एनटीए होगा, सीयूसेट होगा, केवल उनको पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस पता था। ये जो प्लाटो, अरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, बेंथम, रोशो, मिल, मार्क्स, मैंने बता दिया है क्या इसमें आएगा, लोग कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उनके अल्टर होता है, इनको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है वो देखते हैं। जैसा मैंने अपनी वीडियोस में बताया है, मैंने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को सबसे पहले डीयू बीए ऑनर्स सिलेबस से कंपाइल करके एक एक टॉपिक बता दिए हैं, प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, बेंथम, रोशो, मिल, मार्क्स। इन्होंने तो बहुत से ऐसे थिंकर्स हैं ना, लाइक रॉल्स को इन्होंने नहीं दिया, लाइक नॉजिक को इन्होंने नहीं दिया, लाइक इमैनुअल कांट को इन्होंने नहीं बताया, तो वो ऐसा नहीं कि वो नहीं पूछेंगे, वो उनका डेरिवेशन है, वो अपने प्रॉस्पेक्टस में भी यही डिवेल करते हैं, वो पूरा एंड्स और मीन्स नहीं बताते, आपको वो तैयारी करनी पड़ती है। तो जो बहुत देर से जुड़े हुए हैं मुझसे, 5-6 मंथ से, जो मेरे बैनर के अंदर प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको मैंने क्या बताया है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट विद डीयूबीए ऑनर्स सिलेबस पूरा मैंने एक एक टॉपिक बता दिया है। ओपी गौबा का पूरा ट्रेंड एनालिसिस मैंने कर दिया है कि आपको सबसे पहले सिग्निफिकेशन ऑफ क्लासिकल ट्रेडिशन में प्लेटो, अरिस्टोटल पढ़ना है, फिर ट्रेंड आओगे रेनेसा ट्रेडिशन में आपको मैकियावेली पढ़ना है, फिर आप आओगे लिबरल में, वहाँ पे आपको हॉब्स, लॉक, बेंथम, ठीक है, मिल्स मैंने वहाँ पे बताया, इनलाइटमेंट में मैंने बताया, मोरल्टी में मैंने इमैनुअल कांत बता दिया है, और वेस्टर्न पॉलिटिकल और शेफाली झा मैम से भी मैंने सब कुछ बता दिया, दिल्ली बी यू डी यू बी ए ऑनर्स के सिलेबस से मैंने सब कुछ बता दिया है। तो ये एक मेन अल्टरिज्म है, बिकॉज सीट्स कम हैं, 100 सीट्स हैं, और जो दो मंथ्स में प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका भी अच्छे से हो सकता है, अगर आप लोग प्लेलिस्ट में देखोगे जो मैं शुरू से बता रहा हूँ, ठीक है, ये शॉर्टकट जो इन्होंने सिलेबस बनाया है ये आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए बनाया है। जेएनयू भी बहुत दिमाग खेल रहा है, मैं जेएनयू की एक एक चीज़ से वाकिफ हूँ, जेएनयू करना क्या चाह रहा है। प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, इतना इन्होंने बताया, केवल इसके साथ भी बहुत सी चीज़ छुपी हुई है, ये पूरा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में आपको पढ़ना है। मैंने हर एक चीज़ बताया अपनी वीडियो में, आप देखिएगा, मैंने शेफाली झा मैम का बुक्स भी बताई हैं कि अरिस्टोटल की निकोमेशियन एथिक्स में क्या उन्होंने लिखा है, पॉलिटिक्स में उन्होंने क्या लिखा है, प्लाटो ने अरिस्टोटल में, प्लाटो ने रिपब्लिक में क्या लिखा है, ठीक है, और स्टेट्स क्राफ्ट में क्या लिखा है, मैंने सब कुछ बताया है। वो क्वेश्चन जेएनयू पूछेगा, क्योंकि जेएनयू में सीट्स कम हैं, पेपर टफ हो गया, लेकिन जिन्होंने रिलायबल तरीके से तैयारी की है वो मैंने जैसे बताया है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। जो दो मंथ्स वाले भी हैं वो भी मुझसे ऐड हो जाएँ, मैं कैप्सूल्स बताऊँगा, उससे बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। मैंने सुब्रतो मुखर्जी मैम का हिस्ट्री टर्न्स भी बता दिया है कि जो 2020-21 में क्वेश्चन आया था, एक फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आया था, एक लुई बोनापार्टे और नेपोलियन बोनापार्टे में हेगल का कॉन्सेप्शन जो हिस्ट्री रिपीट इट्सेल्फ वाला था, उसको कार्ल मार्क्स ने आगे कैसे बढ़ाया, तो वो चीज़ मैंने बताई है, तो ऐसे चीज़ वो पूछेंगे, ठीक है। अब देखिए पॉलिटिकल थ्योरी में क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी में एनटीए ने ये बोल दिया है कि लिबर्टी पढ़ना है, इक्वलिटी पढ़ना है, जस्टिस पढ़ना है, सवर्निटी पढ़ना है, सिटीजनशिप पढ़ना है, बाकी के चैप्टर कहाँ गए। अब जेएनयू क्या इसी 6 रिलास में क्वेश्चन पूछेगा, जेएनयू के पास 100 सीट्स या 96 सीट्स हैं, 96 से 100 सीट्स हैं केवल, ठीक है, और वो लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, सवर्निटी, सिटीजनशिप से एक एक क्वेश्चन अगर पूछता है तब भी उसके अच्छे पॉलिटिकल थ्योरी का कॉन्सेप्शन बनेगा नहीं। अगर इसको टफ बना सकते हैं तो मिल्स का कॉन्सेप्शन बढ़ा सकते हैं, या लिबर्टी में जितने निगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी हैं, या कार्ल मार्क्स का एप्लीकेशन है, या जो डिफ्रेंशिएट किया गया है उससे क्वेश्चन बना सकते हैं। मैंने एक एक चीज बता दी है, और जो लिबर्टी के अंदर जितने भी इनप्रॉपरेट सिंकर्स आते हैं जिनका नाम आपने कभी सुना नहीं है वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। वो कहां मिलेगा, ओपी गौबा की बुक का जो मैंने बुक रिव्यू किया है, पूरी चीज मैंने बताई है, वो वहां से आपको मिलेगा, वैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मैंने वीडियोस में मैंने क्या बताया है, आप प्लेलिस्ट देखिए, बुक रिव्यू बताया है पॉलिटिकल थ्योरी ओपी गौबा का, मैंने राजीव भार्गव की बुक थ्योरी पूरी बताई है, जस्टिस से कुछ नए चैप्टर्स मैंने शुरू किए हैं, कॉस्मोपॉलिटिज्म मैंने बताया है, और बाकी में अमर्त्य सेन सर और ऐसे भी थिंकर्स होते हैं मैंने सबको ऐड करके बताया है, हेवुड की पॉलिटिक्स मैंने समझाई है कि वहां से क्या पढ़ना है, ठीक है। होता क्या है गाइस कि जो मैं वीडियो बना रहा था मैं आज से नहीं 7 मंथ से बना रहा हूं, तो उसमें सबसे पहले 2019 में क्या हुआ था कि उन्होंने राजीव भार्गव से क्वेश्चन पूछे, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी में 50 क्वेश्चन जब आए थे, ठीक है। 2020 में क्या हुआ, उन्होंने ओपी गौबा से क्वेश्चन पूछे, ठीक है, पूरा एनटीए का बेस था, पूरा प्रोजूसी नेट वाला क्वेश्चन आया था इसमें। 2021 में क्या हुआ, इन्होंने डीयूबीए ऑनर्स सिलेबस को सेंट्रलाइज कर दिया, और एक ही में सेंट्रलाइज करके इन्होंने शेफाली झा मैम से, राजीव भार्गव सर से क्वेश्चन पूछे पॉलिटिकल थ्योरी और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, ठीक है। अब देखिए जेएनयू करता क्या है, सबसे पहले जेएनयू क्या करता है, जेएनयू सेंट्रलाइजेशन करता है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे पॉलिटिकल थ्योरी है तो 2019 में
लिबर्टी में तीन क्वेश्चन उन्होंने पूछे, सिटीजनशिप में इन्होंने तीन क्वेश्चन पूछे। अब लिबर्टी में हर एक क्वेश्चन पूछा निगेटिव लिबर्टी तक और सेल्फ रियलाइजेशन पूछ लिया मिल्स का। अब क्या हुआ 2020 में इन्होंने पार से पांच क्वेश्चन पूछे, इसमें इन्होंने सब कुछ कंक्लूड कर दिया जितना ओपी गोबा में था। 2021 में इन्होंने जस्टिस से पांच पूछे, पूछा रॉल्स नॉजिक अमर सेन सर पे पूछ लिया इन्होंने जो पॉलिटिकल थ्योरी का पार्ट है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब इतना ज़्यादा ये लोग एप्लीकेशंस कर रहे हैं तो लोगों का दिमाग कन्फ्यूजन में, लेकिन ऐसा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने केवल मीन्स एंड गोल्स डिसाइड किए हैं, उन्होंने एक एक चीज़ एक्स्ट्रा नहीं बताई हो। मैं एक साल से सेवन मंथ से मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ कि कैसे तैयारी करनी थी 2022 के लिए, बहुत अप्रोप्रिएट रीज़न है। आप प्लेलिस्ट देख के समझ जाएंगे कि मैंने क्या बताया है। हर एक चीज़ को मैंने डिवाइड किया है, जो JNU जैसी टॉप यूनिवर्सिटी आपको क्वेश्चन करेगी उनको भी हैंडल लेने हैं, ज़्यादा नहीं लेने हैं, तो उनको पता है कि ऐसा इजी सिलेबस से कुछ नहीं हो सकता है। पॉसिबल है कि इसका कुछ भी डिटरमिनेशन होगा, आप वेट करिए मैं आपको बताऊँगा। अब मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट में उन्होंने गांधी और अम्बेडकर बता दिया है। अब वही JNU जो हमेशा से क्या करता है 2021 के क्वेश्चन में उसने ट्रेंड बदल दिया, 14 से 15 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटिकल थॉट के पूछ लिए। मैंने अपनी वीडियोस में उसी को लेके फुल बुक का रिव्यू किया, हिमांशु रॉय और MP सिंह का। मैंने कौटिल्य बताया है, सवारकर बताया है, फुले बताया है, स्वामी सहजना सरस्वती साहब बताया है, नेहरू बताया है, MN रॉय बताया है, राजा राम मोहन रॉय बताया है, पेरियार बताया है, अम्बेडकर बताया है, JB नारायण बताया है, कबीर बताया है, अबू फजल बताया है, तिलक बताया है, विवेकानंद बताया है, अरविंदो बताया है। तो गाइज ये जो मैंने यहाँ पे ब्लू डॉट किए हैं, ब्लू सर्कल किए हैं, ये JNU 21 में आए थे। फूले का क्वेश्चन आया था, स्वामी सारदा सरस्वती का डेट पूछ लिए थे, नेहरू आया था, MN रॉय आया था, राजा राम मोहन रॉय आया था, पेरियार आया था, अम्बेडकर आया था, अरविंदो आया था, विवेकानंद जी आए थे, तिलक जी आए थे, और गांधी जी का ग्रास रूट डेवलपमेंट इन्होंने पूछ लिया था लोकल गवर्नेंस पे, कि पार्लियामेंट जो होता है, PM जो होता है, उसकी लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति। गाइज मैंने ये पूछा था। ठीक है, अब देखिए IR में तो इन्होंने क्या किया, केवल कोल्ड वॉर, नैम, सार्क, UNO, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, पाक और चाइना पूछ लिया। अब ये भी हो सकता है कि आएगा तो यहीं से, पर इसके पीछे कुछ टॉपिक छुपे हुए हैं, वो आपको क्या करना है, पूरी तरीके से एक नॉन एप्लीकेशंस देखना है। जितनी मैंने पुरानी वीडियोस बताई हैं उस पर आप जाके देखिएगा। ठीक है, ग्लोबल पॉलिटिक एब्सेंट ही है, जो ग्लोबल पॉलिटिक जिससे पूरा इंक्लिंड होता है JNU और DU का, BHU का, उन्होंने यहाँ पे एब्सेंट कर दिया है, एक क्वेश्चन भी नहीं, उन्होंने कहा कि ये टॉपिक पढ़ लेना। ग्लोबल पॉलिटिक्स से क्वेश्चन बहुत आते हैं, मैंने हर एक बुक रिव्यू किया है, एंड्रू हेवुड की भी, और मैंने हर एक बैलिस स्मिथ की केस स्टडीज बताई है। मैंने कैरोल गैरिगन का जो टेरिटोरी क्वेश्चन आया था उसके हिसाब से जितने भी ये पॉलिटिकल एक्टर्स ने, जितने भी ये थिंकर्स हैं, उनको मैंने हर एक थिंकर्स बताए हैं कि कैसे थिंकर्स रिपीट करते हैं। आप देखिएगा प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा। मेरी वीडियोस में जो मैंने इंडियन फॉरेन पॉलिसी और IR के लिए बताया है, मैंने पवनी सिंह सर का फुल एक्सप्लेनेशन बताया है। मैं हर एक टाइम पे बताता था कि आपको 2 घंटे इंटरेस्टिंग पढ़ना है तो आप फॉरेन पॉलिसी पवनी सिंह सर की उठा लीजिएगा। ठीक है, इसमें मैंने भूटान का रिलेशन बताया है इंडिया के साथ, म्यांमार का बताया है, USA बताया है, UK बताया है, अरब्स बताया है, चाइना बताया है, पाकिस्तान बताया है, डायस्पोरा बताया है, रशिया, यूक्रेन, क्योंकि डायस्पोरा में ऑपरेशन गंगा से यूक्रेन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है, ईरान, इराक, सेपेक, UNO, सेंट्रल एशिया रिलेशन, लुक नॉर्थ पॉलिसी, कनेक्ट सेंट्रल एशिया, इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग्स, अशकाबाद एग्रीमेंट, अफ्रीका ऑयल डिप्लोमेसी, नाइजीरिया, घाना, RCEP, ICC, ICJ, G11, G7, G20, मैंने सब कुछ बताया है, और ग्लोबल पॉलिटिक्स में फुल हेवुड बैलिस स्मिथ केस स्टडीज बताया है। ये है JNU का ट्रांसफॉर्मेशन। मैं कह रहा हूँ ना, जो सिलेबस है वो भी वो है, वो रिलायबल है, बट कुछ चीज़ एबसेंट है, तो आप लोग प्लीज़ 2 महीने में तैयारी कर सकते हो। आप लोग को प्लेलिस्ट में जाना, ठीक है, और ये सब एक बार अपने पॉइंट में कर लेना, इसको पढ़ना है, आपको अच्छी यूनिवर्सिटी और JNU भी मिल सकता है। तो आपको सबसे पहले स्केड्यूल बनाना है, और मैं बाद में स्केड्यूल बनाऊंगा 2 मंथ्स के लिए, ठीक है, और मैं आपको कैप्सूल्स भी दूंगा। अब गाइस आगे क्या है, अब इन्होंने ऐसा किया, अब मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट बताया, पॉलिटिकल थ्योरी में मैंने बता दिया, और अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी चीज़ जो आ रही है कि जो सिलेबस है कंपेरेटिव का, जो सिलेबस है और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस है, इन्होंने केवल कंपेरेटिव लिख दिया है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिख दिया, तो इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, इसमें टॉपिक्स नहीं बताएं। तो पब्लिक कंपेरेटिव में मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन JC जोहरी सर का किया है, एलमेंट, वर्बा, सरतोरी, मिशेल्स, सेंटोस, गेम थेरी, बैलेट, फाइनर, डारेंट्रॉफ, आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की, वेलेस्टाइन का, एवोल्यूशन, हंगिटन, लास्टवेल, फिनर, मिक्स एग्रीमेंट, मैंने सब कुछ बताया, आप देख लीजिएगा। जो मेरी कंपेरेटिव गवर्नमेंट की प्लेलिस्ट है उसमें मैंने 2 वीडियोस बताई, दोनों में पहली वीडियो में पहला पार्ट खत्म किया है कंपेरेटिव का, दूसरी में दूसरा पार्ट किया है, आप देख लीजिएगा कैसे क्या पढ़ना है। ठीक है, ईजिली बताया है, वो हो सकता है 10 दिन में खत्म हो सकता है आपका, आप देख लीजिएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने अवस्थी महेश्वरी सर और M लक्ष्मीकांत का फुल एक्सप्लेनेशन किया है, 70 थिंकर्स मैंने बताए, जो
70 थिंकर्स इनके आते हैं। मैंने सब कुछ बताया है, आप देख लीजिएगा। 70 थिंकर्स को मैंने पिंग भी किया है, ठीक है। और मिनू ब्रूक 1, 2, 3 समझाया है, हनी रिपोर्ट समझाई है, फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस मैंने बताया है, ठीक है। अब आ जाते हैं जो पब्लिक पॉलिसी में लोग कन्फ्यूज़न कर रहे थे, इसमें क्या होगा। देखिए, सबसे पहले जो NDA ने बोला है पब्लिक पॉलिसी में, तो आपको पढ़ना क्या है, विज़न PT365 के आपको पढ़ना है, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, जो आपका एक मंथली एस्पिरेशंस होते हैं, आपको बेसिकली 2 months के पढ़ने हैं, एक अप्रैल एक मई, ठीक है। इसके बाद जब पेपर बढ़ता जाएगा आप जून भी पढ़ सकते हो। फिर आपको PIB एनालिसिस पढ़ना है, वो मैंने ग्रुप पे भेज दिया है, मैं आगे भी भेज दूंगा, आप लोग ऐड होते रहिएगा। योजना मैगजीन आपको पढ़नी, सीधा जो UPSC प्रीलिम्स के लिए पढ़ता है वही सेम चीज़ पब्लिक पॉलिसी में, इसका करंट आएगा, ठीक है। इसमें होता क्या है, जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं डिफरेंट सेक्टर में, इकॉनमी में, वो करंट में क्या है। सबसे पहले पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हम देखते हैं तो मनरेगा का, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, PM एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, PM रोजगार प्रोत्साहन योजना, ठीक है। इसके बाद PM कौशल विकास योजना, फिर PM जनधन योजना, एजुकेशन इन इंडिया में सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा स्कीम, राइट टू एजुकेशन, सुकन्या समृद्धि स्कीम, और हेल्थ में आयुष्मान भारत प्रोग्राम, नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और अर्बन हेल्थ मिशन। इसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट में 3 चीज़, 1-Stop Center स्कीम, उज्ज्वला स्कीम और PM मातृत्व वंदना योजना। सो गाइज, आपको ऐसे पढ़ना है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए, मैं कैप्सूल्स भी दूंगा और मैं आपको डिफाइन करूंगा कि कब ये लोग पूरी तरीके से अब चेंज करें अपने सिलेबस में, और जल्दी से ही ये लोग PISM और IRM का कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है गाइस। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस, जो मैंने आज बताया है उसको अलग नोट कर लीजिएगा, और सबसे पहले जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया है आप मेरी प्लेलिस्ट देखिए, उससे आपको एक तरीके का मिल जाएगा कि इतना छोटे सिलेबस में आप कैसे JNU जैसी टॉप यूनिवर्सिटी पा सकते हो, जहां पे सीट्स केवल 100 हैं। आपको चाहिए एक सीट्स, 100 से मतलब नहीं है। आराम से प्रिपरेशन करोगे आप सबसे आगे होगे, क्योंकि बहुत सी कन्फ्यूज़न आ गई है जब से ये CUET आया है, मैं हूँ आपकी कन्फ्यूज़न को रिलैक्स करने के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइज, देखते रहिए, बने रहिएगा।